हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स किचन पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कच्चे केले की सब्ज़ी। कच्चे केले की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होती है। अगर आप इसे मेरे अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ये बहुत ही यम्मी बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी और सब लोग इसको बहुत ही पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, अगर आपकी सब्ज़ी में कभी नमक ज़्यादा हो जाता है तो उसमें आप कच्चे आलू काट के डाल दें। अब 5-10 मिनट उसको पकने दें। आलू जो होगा वो नमक को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी सब्ज़ी में नमक कम हो जाएगा। उसके बाद चाहें तो आप आलू को उसमें छोड़ दें, आलू को निकाल लें। यह है टिप आज की। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कच्चे केले की सब्ज़ी बनाने के लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पर मैंने कच्चा केला लिया है 400 ग्राम, जिसको मैंने इस तरीके से छील के और उसको राउंड राउंड मैंने कट किया है। फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से छील दिया है। केला बनाने से पहले फ्रेंड्स, कभी भी केले को ज़्यादा देर पहले छील के ना रखें, अदरवाइज़ क्या वो काला पड़ जाता है। जब भी आपको सब्ज़ी बनाने, सेम टाइम इसको छीलें और सेम टाइम ही काटें और उसको बना लें। इस टाइप से छील के आप केले को इस प्रकार राउंड राउंड काट सकते हैं। चाहें तो आप इसको लंबा लंबा भी काट सकते हैं। अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इनको राउंड राउंड काटा है, काट के एकदम रेडी कर लिया है इनको मैंने। आप भी इस प्रकार से इनको छील काट के रेडी कर लें। केले का छिलका थोड़ा मोटा मोटा निकालें, अगर आप हल्का छिलका निकालेंगे तो फिर इसका स्वाद ख़राब हो जाता है। इसलिए केला बनाते इस टाइम केले का छिलका हमेशा थोड़ा मोटा निकाल लें, इससे ये एकदम पकने में अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, देखते हैं हमको क्या क्या इंग्रीडियंट्स चाहिए। यहाँ पर हमने लिया है एक बड़ा प्याज, जिसको हमने काटा है बड़ा बड़ा, एक टमाटर, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और हरा धनिया। स्पाइसेस में हम लेंगे सबसे पहले सरसों और थोड़ा अजवाइन। अजवाइन हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, हाजमा इससे बहुत अच्छे से होता है, सब्ज़ी में फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। और थोड़ा हमने दही लिया है जो फिटा हुआ था। ये हमने गार्लिक जिंजर का पेस्ट लिया है, रेडीमेड पेस्ट लिया। आप चाहें तो गार्लिक जिंजर को छील काट का पेस्ट बना सकते हैं। मैं यहाँ पर रेडीमेड पेस्ट ले रही हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने गर्म मसाला भी लिया है, इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद हम लेंगे डेली यूज़ वाले मसाले जो होते हैं हमें सब्ज़ी में डालने के, नमक स्वाद अनुसार, काला नमक स्वाद अनुसार, जैसा आप खाते हो ज़्यादा नमक, हल्का नमक, लाल मिर्च पाउडर। मैंने 1 स्पून ली है, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, आधी स्पून, 1 स्पून से थोड़ी ज़्यादा। हल्दी पाउडर 1 स्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून। धनिया पाउडर मैंने 2 स्पून कर लिया है, क्योंकि मेरी सब्ज़ी यहाँ पे हाफ 400 ग्राम केले मैंने लिए हैं। इसलिए आपकी सब्ज़ी कम ज़्यादा हो तो आप मसाले अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम प्याज और टमाटर को पीस कर एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका। ये हमारा टमाटर प्याज पीस कर यहाँ पर एकदम रेडी हो गया है, एकदम फाइन पेस्ट बन गया है। अब हम अपनी सब्ज़ी बनाना तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है, इसमें मस्टर्ड ऑयल हम इसको गर्म कर रहे हैं। इसको हम स्मोक आने तक गर्म करेंगे। और कोई भी सब्ज़ी फ्रेंड्स सरसों के तेल यानी मस्टर्ड ऑयल में बहुत टेस्टी बनती है। इसमें जब स्मोक आने लगेगा, धुआं उठने लगता है, तो अच्छे से पक जाता है। इसकी हल्की सी स्मेल होती है मस्टर्ड ऑयल की, वो भी चली जाती है, फिर एकदम बढ़िया सा फ्लेवर आता है। ये हमारा तेल गर्म हो गया है। सबसे पहले इस तेल में हम अपने कटे हुए केले हैं इनको डालकर हल्का हल्का फ्राई करेंगे। हल्का हल्का ये ब्राउन हो जाए तब तक फ्राई करेंगे, 5-10 मिनट तक फ्राई करेंगे हम। 10 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम को हाई नहीं करेंगे ना ही लो, हाई पे ये जल जाएंगे, लो पे अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम मीडियम फ्लेम पर इसको 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। ये हमारे केले यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, ये केले हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इसमें हम थोड़ा नमक भी ऐड कर देंगे जिससे अच्छे से फ्राई होते हैं। हल्दी डाल देंगे थोड़ी सी, हल्दी पाउडर, जिससे इसमें कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। इसको हम 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। अभी 2-3 मिनट और लगेंगे उनको फ्राई होने में फ्रेंड्स। अब ये हमारे एकदम फ्राई होके तैयार हो जाएंगे। ये हमारे केले यहाँ लगभग फ्राई हो चुके हैं फ्रेंड्स। इनको अब हम किसी सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे, प्लेट में निकाल के अलग से रख लेंगे। अब सेम कढ़ाई में हम थोड़ा तेल और ऐड करेंगे, इसको हम स्मोक आने तक गर्म होने देंगे। और जब ये गर्म हो जाएगा अच्छे से, स्मोक धुआं उठने लगेगा, तब इसमें हम सरसों डाल देंगे, सरसों के दाने। इनको अच्छे से भूनेंगे हम। जब सरसों के दाने अच्छे से भून जाएंगे तब उसके बाद इसमें हम सरसों के दाने अच्छे से भूनेंगे तभी इनका टेस्ट अच्छा आता है। अगर ये कच्चे रह जाते हैं तो इनमें टेस्ट नहीं आता है।
अब इसमें हम अपनी अजवाइन भी डाल के फ्राई करेंगे अच्छे से। ये हमारी सरसों और अजवाइन अच्छे से फ्राई हो रही है। जब अजवाइन और सरसों अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद अपना जो फाइन पेस्ट हमने बनाया था टमाटर प्याज अदरक लहसुन का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे टमाटर प्याज का ही बनाया था उसको मैंने ऐड कर दिया है, और जो रेडीमेड पेस्ट मैंने लिया था गार्लिक जिंजर का उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। ये गार्लिक जिंजर का रेडीमेड पेस्ट है, इसको मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा स्वाद अनुसार। आप थोड़ा अपना ज़्यादा, अगर आपको गार्लिक और जिंजर पसंद है तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, हम मैंने थोड़ा कम ही डाला है। अब इसको हम अच्छे से फ्राई होने देंगे जब तक कि मसाला हमारा तेल ना छोड़ दे। हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे इसी में अब हम, और इसको हम 5 मिनट तक वेट करेंगे कि मसाला हमारा अच्छे से तेल छोड़ दे। तेल छोड़ दिया मसाले ने फ्रेंड्स, इसमें हम अपने स्पाइसेस जो थे हल्दी मिर्च नमक को थोड़ा गीला करके पानी डाल के वो भी इसी में हम ऐड कर देंगे। अब पूरे मसाले को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई होने देंगे जब तक कि हमारा पूरा मसाला अच्छे से फ्राई ना हो जाए, एकदम तेल अलग और मसाला अलग ना हो जाए। अब हम इसके बाद यहाँ पे थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से सब्जी का हमारा कलर बहुत अच्छा आता है, ये तीखी नहीं होती है, इसमें कलर होता है, तीखापन बहुत ही कम होता है, लेकिन सब्जी का कलर इससे बहुत अच्छा आता है। इसको भी हम 2 मिनट फ्राई करेंगे अच्छे से। अब पूरा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, तेल अलग हो गया, मसाला अलग हो गया है फ्रेंड। अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे, जो हमने दही को अच्छे से फेंटने के बाद ही इसमें ऐड करेंगे। इसको हम कंटिन्यू चलाएंगे, कंटिन्यू स्टिर करते रहेंगे, 1 सेकंड के लिए भी छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ देंगे तो हमारा दही जो फट जाएगा, हमारी पूरी ग्रेवी ख़राब हो जाएगी। इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर लेंगे, हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लेंगे। अब हमारी ग्रेवी है वो तैयार हो रही है, अच्छे से खोल गई, इसमें हमने पानी भी थोड़ा ऐड कर दिया है। अब इस ग्रेवी में ग्रेवी हमारी बॉयल हो रही है, इसमें हम जो हमने अपने केले भून के रखे थे वो उन केलों को हम इसमें ऐड कर देंगे। हमारे केले जो पहले से काफ़ी पके हुए हैं, 50% पके हुए थे क्योंकि हमने इनको भुना था, फ्राई किया था, इसको 50% ही हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे अदरवाइज़ क्या एकदम फूट जाते हैं, एकदम टूट जाते हैं, कि सब्ज़ी देखने में और खाने में इतनी टेस्टी नहीं लगती है। इनको हल्के हाथ से चलाते हुए हम 10 मिनट पकाएंगे ढककर। देखिए फ्रेंड्स सब्जी के कलर कितना अच्छा लग रहा है, इसको हम ढक देंगे और 10 मिनट पकाएंगे। ये हमारी सब्जी पककर तैयार हो गई है फ्रेंड्स। मैं लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाती हूँ क्योंकि हमारे घर में सभी को लोहे की कढ़ाई की सब्जी बहुत पसंद आती है। आप चाहें तो नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो जस्ती की कढ़ाई का भी। यहाँ पर धनिया डाल के मैं गार्निश कर दूंगी इसको और किसी सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इसको अब हम एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। सर्विंग बाउल में निकालने से पहले इसमें हम थोड़ा सा गर्म मसाला भी ऐड करेंगे। गर्म मसाला डालकर इसको हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये फ्रेंड्स देखिए हमारी सब्जी एकदम तैयार है, ये इतनी टेस्टी होगी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी होगी। इसको आप रोटी पराठा पूरी या राइस के साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। इसको आपके घर के सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत ही पसंद करेंगे। इसमें हम फ्रेंड लास्ट में और अच्छे टेस्ट इसका बनाने के लिए इसमें थोड़ा मसाला मैजिक जो आता है उसको ऐड कर देंगे, उससे इसका बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा स्वाद हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें अदरवाइज ना करें, वैसे भी बहुत यम्मी है सब्जी। और हरे धनिया से हम इसको गार्निश कर देंगे। एक बार फ्रेंड्स को जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स आपने अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए मेरी रेसिपीज आपको कैसी लग रही है। फ्रेंड्स टिल देन फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।